चलिए नमस्कार। आज ये जो पेपर है मॉक टेस्ट Tier 2 इंग्लिश के लिए, उसका पहला सवाल है, वी डू नॉट हैव इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर डेस्टिट्यूट्स। वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है असरकारी नीतियाँ फॉर डेस्टिट्यूट्स, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए द डेस्टिट्यूट होता है, डेस्टिट्यूट एडजेक्टिव वर्ड है, और उसमें अगर आप द लगा देंगे तो वो प्लुरल नाउन बन जाएगा। डेस्टिट्यूट्स कोई वर्ड नहीं होता है, द डेस्टिट्यूट होना चाहिए। दो वी आर नॉट बैड ऑफ येट, यद्यपि हम लोग गरीब नहीं हैं, येट फिर भी वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई, हम खरीद नहीं सकते दैट हाउस, वो घर। गरीब के लिए बैडली ऑफ होता है, और अमीर के लिए होता है बेटर ऑफ। बैड ऑफ नहीं होता है, बैडली ऑफ होना चाहिए। सिंस आई डिड नॉट हैव डिटेल्स ऑफ द केस, चूँकि मेरे पास इस मसले पर कोई डिटेल्स नहीं था, आई कुड नॉट ब्रीफ द मिनिस्टर, मैं ब्रीफ ना कर सका, बता ना सका मंत्री को ऑन द मैटर, इस मुद्दे पर इन डिटेल, विवरण में। इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये इसमें नो एरर है। हाउ लॉन्ग इज़ योर, हाउ यंग इज़ योर यंगेस्ट ब्रदर, हाउ ओल्ड होता है, उम्र पूछने के लिए ओल्ड लगाते हैं, यंग नहीं लगाते हैं। तो हाउ ओल्ड इज़ योर यंगेस्ट ब्रदर, आपका सबसे छोटा भाई कितना उम्र का है। द हॉस्पिटल स्टाफ वो वेरी नाइस एंड प्रोफेशनल, हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो बहुत ही अच्छे थे, प्रोफेशनल और पेशेवर थे। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर है। नेक्स्ट इज़, इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है कि रवि वॉज होपलेस टू पास, ये सही तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये कि रवि हैड नो होप ऑफ पासिंग, रवि को पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट इज़ हर फ्यूचर लुक्स फुल ऑफ प्रोमिसज, देखिए प्रॉमिस मतलब वादा होता है, उसका प्लुरल प्रोमिसज होता है, लेकिन जब प्रॉमिस का मतलब होता है पोटेंशियल, संभावना, तो उस अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, ये ए वाला होगा। हर फ्यूचर लुक्स फुल ऑफ प्रॉमिस, उसका जो भविष्य है संभावनाओं से भरा लगता है। ए फॉर एप्पल इज़ करेक्ट। द हॉस्पिटल वॉज नेम्ड ऑन माई ग्रैंड फादर्स नेम, देखिए नेम इसमें ये वाला सही है कि द हॉस्पिटल वॉज नेम्ड आफ्टर माई ग्रैंड फादर, बाकी सारे गलत हैं, कि जो हॉस्पिटल था उसको मेरे पिताजी, दादाजी के नाम पर रखा गया उसका नाम। फिल इन योर स्पाउसेस नेम हेयर, यहाँ पे इन होगा। फिलअप, जैसे कोई फॉर्म होता है ना उसको फिलअप करते हैं या फिल आउट करते हैं, और उस फॉर्म में कोई एक डिटेल अपना कुछ भरना है, जो भरना है वो फिल इन करना होता है, और जो पूरा फॉर्म है उसको फिलअप करते हैं या फिल आउट करते हैं। यहाँ फिल इन योर स्पाउसेस नेम हेयर, आप अपने स्पाउस का नाम, पति या पत्नी का अपना नाम यहाँ लिखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रडिक्शंस, ये कठिन है सटीक प्रडिक्शन या भविष्यवाणी करना अबाउट इट्स इफेक्ट्स, इसके प्रभाव के बारे में, ऑन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे। एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल सही सही वही, तो देखिए एग्जैक्ट प्रडिक्शंस नहीं होता है, मतलब कोलोकेशन, कोलोकेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में संयोग बैठता है कि नहीं, तो इधर एक्यूरेट प्रडिक्शंस होता है, एग्जैक्ट नहीं। अनमिस्टेकेबल मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, 100% कुछ नहीं होता है, 100% होता है, 100% प्रडिक्शन, ये भी कोलोकेट नहीं करता है, ये नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है प्रडिक्शंस के साथ, ये सही नहीं बैठ रहा है। द 1990s वॉज अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, 1990 का जो दशक वाला पीरियड था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन्ड मतलब जिसमें लगातार सतत रूप से वृद्धि होता रहा, सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ, मतलब सस्टेनेबल होता है जब कोई ऐसी चीज़ जो आगे चल के रुके ना और टिकी रहे, और ये तो बीत गया है, सस्टेन्ड था, सस्टेनिंग कुछ नहीं है, सस्टेनांस्ड भी कुछ वर्ड नहीं होता है। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, ओवरफ्लो का मतलब होता है उसके ऊपर से बहना, तो द रिवर ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होता है, नदी अपने किनारों पर ओवरफ्लो कर रही। बैंटर मतलब होता है हंसी मजाक, और इसका बैटिनेज है ना, हंसी मजाक करने की जो क्रिया है, अनकाउंटेबल नाउन है बैंटर, है ना, बैड इज। फ्रॉड मतलब होता है धोखा, क्रिटिसिज्म, निंदा, जोक्स, जो हम लोग मजाक के लिए कहते हैं जो बात, वो जोक्स होता है। आगे है कि अनकंसनेबल, कुछ चीज़ इतना बड़ा हो कि उचित ना लगता हो, है ना, जिस अंतरात्मा जिसको गवाही ना देता हो, उचित ना हो, तो ये है ह्यूज, टू ह्यूज, आवश्यकता से ज़्यादा। डिसऑनेस्ट बेईमान, सॉरी मतलब दुखी, अपराइट मतलब ईमानदार। क्वर्की का सिनोनिम क्या होगा, क्वर्की मतलब होता है पिक्यूलियर, विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज, हटके। चीयरफुल मतलब खुश मिजाज,
फमिलियर मतलब परिचित, जिससे जान पहचान हो, जिसको आप जान रहे हो। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो तत्क्षणिक बोलता है ना, स्पॉन्टेनियस आदमी जो होता है इंटेलिजेंट होता है, मतलब इस सेंस में कि वो हर परिस्थिति में उसके पास वो तुरंत बोल देगा या उसको उसका प्रतिक्रिया करता है। स्पॉन्टेनियस आदमी, चहक पहक वाला आदमी, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला आदमी। लाउटिश का मतलब होता है जो आदमी क्रूर हो, बर्बर हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रफ। लोफर तो आवारा होता है, जो लोफर राउंड करता है, मेंडिकेंट जो भीख मांग के खाता है, घूमता होता है इधर उधर, कोई घर ठिकाना नहीं होता, पुअर गरीब होता है। ट्रेपिच्यूड का मतलब होता है बुराई, और इसका उल्टा बताना है आपको तो गुडनेस अच्छाई हो जाएगा। एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंड। लॉन्ग वाइंडेड मतलब जैसे कोई आपने बात कही, कोई स्पीच है, कोई राइटिंग है, खूब घुमा घुमा के आप लिख रहे हैं ना, आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस लकोनिक हो जाएगा उल्टा, संक्षिप्त होता है, सीधी सीधी बात होती है कम शब्दों में। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, लूज मतलब होता है ढीला। गम्पशन का दो अर्थ होता है, गम्पशन का एक होता है समझने की क्षमता, विवेक, समझ, बोध, और गम्पशन का एक मतलब होता है कि साहस है ना किसी चीज़ के लिए, तो गम्पशन का उल्टा इधर हो जाएगा फियर, भय। फ्यूटिलिटी मतलब होता है व्यर्थता, लैक मतलब अभाव, कन्फर्मेशन मतलब पुष्टि। सैचुरीन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत मीठा हो है ना, और सैचुरीन का नेगेटिव सेंस होता है कुछ ज़्यादा ही मीठा है ना, किसी को फुसलाने के लिए आप कोई बहुत मीठा बोलते हैं सैचुरीन वर्ड्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा बिटर, तीखा। डॉर्मेंट मतलब होता है जो निष्क्रिय, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। विनसम मतलब जिसे विनसम स्माइल, ऐसी हंसी जिससे आदमी किसी का दिल जीत ले। अब इसमें राजू सेड, राजू ने कहा शिट आई हैव लेफ्ट द की एट होम, मैं घर पे चाबी भूल गया हूँ। इसका सही आंसर होगा कि राजू कर्स्ड हिमसेल्फ, डी फॉर डॉग, राजू कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर लिविंग द की एट होम, घर पे चाबी भूल जाने के लिए। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लॉन्ग लिव सन, लंबे समय तक जियो मेरे बेटे, तो शी कॉल्ड मी सन एंड प्लेस्ड एंड प्रेड फॉर माई लॉन्ग लाइफ, सी फॉर कैट, उसने मुझे बेटा कहा एंड प्रेड और प्रार्थना की फॉर माई लॉन्ग लाइफ, मेरे लंबे जीवन काल के लिए। नेक्स्ट इज शी सेज आई हैव नेवर डन सच अ थिंग, वो कहती है कि मैंने कभी नहीं किया ऐसी चीज़। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा कि शी सेज दैट शी हैज़ नेवर डन सच अ थिंग, सी हो जाएगा। इसमें टेंस चेंज होगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में होता तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वगैरह चेंज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे शाउटेड आउट, दे शाउटेड आउट यू विल डाई सून, वो चिल्लाए तुम जल्दी मरोगे, इसका सही हो जाएगा बी फॉर बॉय। दे शाउटेड आउट एट हिम, वो उसके ऊपर चिल्लाए उसके ऊपर दैट ही वुड डाई सून, को जल्दी मरेगा, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है, बाकी सारे सेंटेंसेस गलत है ना। इसके आगे है कि शी मेड मी स्माइल, उसने मुझे हंसा दिया, तो इसका सही हो जाएगा कि आई वॉज मेड टू स्माइल बाई हर, ए फॉर एप्पल। जब आप पैसिव वॉइस में करते हैं ना तो जो मेड समबडी डू समथिंग होता है वो ही वॉज मेड टू डू समथिंग हो जाता है, इन्फिनिटिव बेयर नहीं होता है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं होकर सिंपल इन्फिनिटिव होता है, उसके साथ टू आ जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ की देख रहे हैं आप, आई वॉज मेड पैसिव है टू स्माइल हो गया, सिर्फ स्माइल नहीं है, आई वॉज मेड टू स्माइल बाई हर, मुझे हंसाया गया उसके द्वारा। दे टुक मी, वे मुझे ले गए टू एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर में, यानी आई वॉज टेकन टू एन ओल्ड हाउस, ए मैं एक पुराने घर को ले जाया गया बाय देम, उनके द्वारा। बाय देम नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ये रहे आंसर्स। अब अगला है कि शी यूज टू मिस हर डॉटर, वो अपने बेटी को मिस किया करती थी, तो इसमें सही हो जाएगा कि हर डॉटर वॉज मिस्ड बाई हर, कि उसकी जो बेटी थी वो मिस की जाती थी उसके द्वारा। एक्चुअली यूज टू मिस जो है पास्ट डेफिनिट टेंस के जैसा होता है, तो और बाकी इसमें कोई आंसर सही नहीं है, सही तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखा गया, गलत है। लेट हिम डू इट नाउ, उन्हें उसे अब ये करने दो, तो इसका पैसिव हो जाएगा लेट इट बी डन बाय हिम नाउ, ए फॉर एप्पल इज करेक्ट। लेट इट बी डन, इसे किए जाने दो बाय हिम, उसके द्वारा, नाउ। अब इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बताने हैं। अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द वे, एक ऐसा यंत्र जो कंट्रोल करता है द वे, रास्ता को, इनटू और आउट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में घुसने या बाहर निकलने वाला,
रूम है, बिल्डिंग है, एरिया ऑफ लैंड है, अंदर जाने या बाहर निकलने के लिए जो कंट्रोल करता है, स्पेशली वन एक ऐसा खास तौर से विच यू हैव टू पे टू एंटर, जिसमें आपको पे करना पड़ता है घुसने के लिए, तो उसको हम टर्नस्टाइल बोलते हैं। मेट्रो स्टेशन पे आप लोग देखते होंगे ऐसा गेट लगा रहता है टर्नस्टाइल। क्रॉस रोड्स मतलब चौराहा होता है, राउंड अबाउट मतलब होता है एक गोल चक्कर, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार। ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो केवल टेम्पोरारी हो, कुछ समय के लिए हो, उसको प्रोटेम होते हैं। इसे प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा में प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए, फिर परमानेंट स्पीकर हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडजोर का मतलब होता है जो कानूनन, और इसका उल्टा होता है एडजोर का, चलिए अभी एडजोर मतलब कानून, और डी फैक्टो मतलब प्रैक्टिकली। जैसे एडजोर हेड होता है प्रेसिडेंट इंडिया में, लेकिन डी फैक्टो अगर हेड देखा जाए तो प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सब उसी की मर्जी से होता है। एड इन्फिनिटो मतलब अनंत काल तक बिना रुके हुए, प्रो रेटा मतलब सही अनुपात में, अनुरूपता के हिसाब से। आगे है कि द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाई समवन, जो सपोर्ट दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी द्वारा, संरक्षण बोलते हैं, पेट्रोनेज बोलते हैं उसको, है ना। और एडवोकेसी मतलब होता है किसी के लिए प्रचार प्रसार, उसके समर्थन में की गई बात। स्पॉन्सरशिप मतलब होता है प्रायोजन, उसको प्रायोजक की तरह काम करना, पैसा या फंड देना। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है। इसमें सही स्पेलिंग मेनिंजाइटिस सही है, बीमारी है दिमाग संबंधी। गजट गजट होता है सरकारी समाचार पत्र जिसमें इम्पोर्टेंट सूचना प्रकाशित की जाती है। गजट का स्पेलिंग में डबल जेड नहीं होता, सिंगल जेड होता है, इसमें ये स्पेलिंग गलत है गजट की, बाकी सब सही है। कसिनो सही है, कसिनो जहाँ पे जुआ लोग खेलते हैं। सॉन्टर मतलब होता है एक तरह का चलना तेजी से थोड़ा, है ना, और दौड़ना नहीं, थोड़ा आराम से चलने से थोड़ा तेज, सॉन्टर। कैटरपिलर की स्पेलिंग में गड़बड़ है, कैटरपिलर में PILLAR होना चाहिए था, ER नहीं होना चाहिए था। वैक्सीनेशन टीकाकरण सही है, बोरिश बर्बर ये भी सही है। लाइकेन जो काई होता है, जम जाता है पानी से, हरा हरा रंग का काई, तो उसका भी स्पेलिंग सही है। चैटिक्स जो होता है इसका भी स्पेलिंग सही है, एक तरह का एक घर होता है। बैलिस्टिक भी सही है स्पेलिंग, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना होगा ना। और लैकलस्टर परफॉर्मेंस सुना होगा आपने, जिस परफॉर्मेंस जो अच्छा ना हो, लचर परफॉर्मेंस, लचर प्रदर्शन, तो लैकलस्टर की भी स्पेलिंग सही है। इसमें ब्रेदरेन की स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसमें एक्चुअली ब्रेदरेन जो होना चाहिए था उसमें BRETHE नहीं होना चाहिए था, सिर्फ TH RE N होना चाहिए था, TH के बाद वाला ई नहीं होना चाहिए था, TH RE N। आगे इडियम, इडियमेटिक एक्सप्रेशन से उनका मीनिंग बताना है। पुट स्पोक इन समबडीज व्हील, स्पोक मतलब तीली होता है, तो ऐसे तो अगर शब्दशः देखें तो इसका अर्थ ऐसे बनता है कि किसी के पहिए में स्पोक डालना, तीली डालना, लेकिन इसका असली मतलब होता है कि हेल्प समवन अचीव समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई प्राप्त करने में हेल्प करना, उसकी सहायता करना, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज वियर सैकक्लॉथ इन एशेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बिहेव इन अ वे, ए फॉर एप्पल, बिहेव इन अ वे, इस तरीके से व्यवहार करना, दैट शोज, जो दिखाता है यू आर वेरी सॉरी फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं, दुखी हैं। बी स्टम्प्ड का मतलब होता है, ए फॉर एप्पल, कि बी अनएबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई इतना बड़ा कठिन प्रॉब्लम है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बी स्टम्प्ड, जैसे आई वॉज स्टम्प्ड बाय द प्रॉब्लम, द शीयर डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम की इतनी डिफिकल्टी थी उससे मैं स्टम्प्ड हो गया, अनेबल था, असमर्थ था उसको करने में, सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज ये पैसेज है, इसको पढ़ना है आपको, और इसके जो सही आंसर्स हैं वो ये हैं कि व्हाट वाज द वर्डिक्ट गिवन, क्या वर्डिक्ट दिया गया था इन नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो इसका आंसर सी होगा कि होमोसेक्सुअलिटी वॉज पार्शली डिक्रिमिनलाइज, इसको अंशतः पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, इसको थोड़ा क्रिमिनल ऑफेंस से इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, इसमें ढेर सारे तरह के अपराध हो जाते थे, उन अपराधों को गैर अपराध की श्रेणी में रखा गया, थोड़ा डिक्रिमिनलाइज किया गया, अब वो धीरे धीरे इसको एक अपराध से सामान्य व्यवहार की तरफ बढ़ाने गया। इसमें अपराध की श्रेणी में बहुत बातें आ जाती थी, उनमें से बहुत चीज़ों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, अंशतः पार्शली डिक्रिमिनलाइज किया गया। नेक्स्ट इज
इन द पुट्टा स्वामी आधार केस, पुट्टा स्वामी आधार केस में क्या हुआ, तो इसमें आप, इसमें भी ऑप्शन सी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है फेल्ड टू अप्लाई द प्राइवेसी डॉक्ट्रिन, जो निजता संबंधित जो सिद्धांत है जो कोर्ट डेवलप किया उसको उसने अप्लाई नहीं कर पाया वो पुट्टा स्वामी आधार केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नांकित में कौन सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है इसमें वो सी है कि राइट ऑफ प्राइवेसी सफर्ड अ सेटबैक, जो निजता का अधिकार है उसको एक बड़ा झटका लगा ड्यू टू शेयरिंग डिसेंट, जिस तरह से एकदम कटाक्षपूर्ण मतभेद था या मतांतर था जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का, ये गलत बात है। एक्चुअली उन्होंने, डी वाई चंद्रचूड़ ने एक शेयरिंग डिसेंट लिखा ही इसलिए था कि निजता का जो कानून है उसकी रक्षा की जाए या उसके समर्थन में, तो ये नहीं कि उससे निजता के कानून को किसी तरह का धक्का लगा या किसी तरह का उसको लॉस हुआ, ये गलत बात है, ये सही नहीं है सी वाला। विच आर द फॉलोइंग केसेस डेल्ट विथ एडल्ट्री, इसमें से कौन एडल्ट्री से संबंधित था, तो वास्तव में इसमें एडल्ट्री से संबंधित कोई केस नहीं था, जो एडल्ट्री से केस संबंधित था इसमें वो शाइन वाला एक केस था जो रोज शाइन करके था वो, इसमें कोई केस एडल्ट्री से सीधे संबंधित नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंट, पैसेज में दिए गए शब्दों में से कौन सा ऐसा है जिसका अर्थ इम्पॉर्टेंट है, मोमेंटस, सुजरेंटी मतलब होता है प्रतंत्रता, किसी के अधीन कंट्रोल में रहने का गुलामी की स्थिति, मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण, डिसेंट मतलब होता है कि मतभेद मतांतर, अनकंसनेबल मतलब होता है बहुत ही बड़ा जिसको अंतरात्मा अलाउ ना करें, अनुचित बहुत अत्यंत ज़्यादा। अब इसमें है कि द डैश वे द कार्मिक स्ट्रक्चर वर्क्स इन एवरी ह्यूमन बींग्स, कार्मिक स्ट्रक्चर आदमी का धर्म से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, कार्मिक स्ट्रक्चर जो कर्म का हमारा ढांचा है, द वेरी वे, वेरी मतलब वही, ये वेरी जो है किसी नाउन के पहले आकर उसको जोर देने का काम करता है, एम्फेसिस, द वेरी वे बिल्कुल वही, जिस जो तरीका, जिस तरीके से द कार्मिक स्ट्रक्चर वर्क्स, कार्मिक ढांचा काम करता है इन एवरी ह्यूमन बींग्स, हर आदमी में, इज एसेंशियली साइक्लिकल, वो मूल रूप से वो जो ढांचा है चक्रीय है, साइक्लिकल है, इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, अगर आप बहुत ही निकटता से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे, विद इन अ डे, एक ही दिन के भीतर द सेम साइकिल्स आर हैपनिंग मेनी टाइम्स ओवर, एक ही चक्र कई बार वो गुजरता है होता है, इफ़ यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, अगर आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है सूक्ष्मता से किसी चीज़ पर नज़र रखने वाला, अगर आप हैं ऑब्जर्वेंट हैं यू विल सी, आप देखेंगे। अच्छा, इसमें अटेंटिव मतलब होता है जैसे ध्यान जो दे, जैसे कहीं भाषण हो रहा है तो उसको अटेंशन से सुन रहा हो, सर्कमस्पेक्ट मतलब चौकन्ना होता है, विजनरी मतलब जो आदमी दृष्टिता होता है, भविष्य के बारे में सोचता है, ऑब्जर्वेंट मतलब जो किसी बारीक नज़र रखता है किसी बात पर, तो इफ़ यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, अगर आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं तो यू विल सी, आप देखेंगे दैट एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट पर यू आर गोइंग थ्रू अ फिजियोलॉजिकल साइकिल, आप गुजरेंगे एक फिजियोलॉजिकल साइकिल से, एक शारीरिक चक्र से, शारीरिक प्रक्रियाओं के एक चक्र से, हर 40 मिनट बाद, वंस यू सी दैट, एक बार आप वो देख लेते हैं, देन विद द नेसेसरी अटेंशन, तो आवश्यक ध्यान एंड अवेयरनेस से, अवेयरनेस के साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइड द साइकिल, आप इस साइकिल को चला सकते हैं एंड मूव टूवर्ड ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस मतलब इन सब जो दुनियावी चीज़ें उससे पार जा सकते हैं, फ्रॉम द लिमिटेशंस उन, एंड मूव टूवर्ड्स ट्रांसेंडेंस, परे पार जा सकते हैं फ्रॉम द लिमिटेशन, उन सीमाओं से, दैट दिस साइकिल सेट, जो ये जो चक्र हैं वो सेट करते हैं, इन सीमाओं से आप परे जा सकते हैं, सो इसलिए एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट में लाइफ प्रेजेंस, लाइफ जो है जीवन प्रस्तुत करता है, यू आपको देता है विद एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, द अपॉर्चुनिटी टू बिकम कॉन्शियस, अवसर देता है कॉन्शियस होने का, होश में होने का, चेतनता लाने का, चेतन अवस्था में होने का, ठीक है। अब इसमें सही सही सीक्वेंस में कौन सा है, तो इसमें सही सीक्वेंस में है, सबसे पहले इसमें आ जाएगा एस एस आर क्यू पी, सी वाला ऑप्शन सही है, द प्रिमाइस इज सिंपल, जो प्रिमाइस का मतलब होता है शर्त, बहुत सिंपल है, सरल है, इफ़ यू हैव अ गुड सीड, सिद्धांत बहुत सरल है, अगर आपके पास अच्छा बीज है, एंड इफ़ यू सो इट, अगर आप इसको बोते हैं इन द राइट काइंड ऑफ एटमोसफेयर, सही तरह के माहौल में, इट वुड जर्मिनेट, तो ये जर्मिनेट होगा, मतलब ये
फूटेगा एंड ऑन नर्चरिंग और पालन पोषण पे विल टर्न इनटू अ ह्यूज ट्री, बहुत बड़े पेड़ में ये तब्दील हो जाएगा। फिर आर क्रिएटिंग द राइट एटमोसफेयर ऑफ बॉडी एंड माइंड इज द ओनली वर्क। तो बॉडी और माइंड का राइट एटमोसफेयर क्रिएट करना एकमात्र काम होता है। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और नहीं करना होता है। क्यू फिलॉसफी, नो टीचिंग्स ऑफ मोरालिटी, कोई नैतिकता का सिखाना या उपदेश, या नो मेटाफिजिकल डिस्कोर्स, किसी तरह का वो एक फिलोसफिक जो प्रवचन होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सी फॉर कैट। अब इसमें नीचे वाले में क्या सही होगा, तो इसमें जो सही है वो सबसे पहले हो जाएगा कि सबसे पहले इसमें क्यू हो जाएगा, क्यू पी आर एस, और क्यू पी आर एस मतलब ए फॉर एप्पल। पहला तो दिया हुआ है कि स्लीप, वेकफुलनेस, डेथ, नींद या जगने की स्थिति या मृत्यु, दीज आर ऑल जस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, या हमारी जागरूकता या अवेयरनेस के अलग अलग स्तर हैं। क्यू, सपोज यू वर डोजिंग, आप ऊंग रहे थे, समबडी शुक यू अवेक, कोई आदमी हिला के आपको जगा दिया, बूम धड़ाम, द होल वर्ल्ड कम्स बैक इन अ सिंगल मोमेंट, एक ही क्षण में पूरी दुनिया वापस आ जाती है। आर दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर एस यू रिक्रिएटेड द होल ऑफ एग्जिस्टेंस इंस्टेंटली, ये पूरा जो संसार है उसको आपने रिक्रिएट किया, पुनर्निर्मित किया एक सेकेंड में। सो दिस वॉज द पेपर एंड दिस वर द आंसर्स, आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, आई विल कीप डूइंग इट फॉर यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग।